नमस्कार। IAS, UPSC, DM, कलेक्टर, SP इत्यादि ये सारे ऐसे शब्द हैं जो ना सिर्फ प्रतियोगी बल्कि उनके माँ बाप की आंखों में परम सुख, चमक और लाल बत्ती की हनक दिखा देते हैं। कहानी शुरू होती है उनके गांव से। बाप अपना पीठ काट कर बच्चों की पढ़ाई में लगाता है और बच्चा स्कूल में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उनके हौसले को बुलंद करता है। वही बच्चा बड़ा होकर IAS, IPS बनने का सपना संजोकर अपनी कोशिशें शुरू कर देता है। इंटरनेट और आजकल के रील से उसे दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के बारे में पता चलता है कि यहाँ गए तो IAS बनना तय है। वो कोचिंग्स के माया जाल में फंसता चला जाता है। कोचिंग वाले जमीन बिछवा कर 2 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं और रिजल्ट के नाम पर 2-4 चेहरों के पोस्टर्स लगा देते हैं। बहरहाल हाल ही में भारत के गढ़ यानी राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर के एक कोचिंग में अचानक पानी भर जाता है। पानी भरते वक्त उस कोचिंग में लगभग 30 छात्र मौजूद होते हैं। ताजा जानकारी के अनुसार राउस IAS कोचिंग की लाइब्रेरी उनके विराट बिल्डिंग के बेसमेंट में चलाई जा रही थी और रविवार को अचानक आई बारिश की वजह से पूरे बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है 25 वर्षीय तानिया सोनी, 25 वर्षीय श्रेया यादव और 28 वर्षीय नवीन डेलवीन की बॉडी उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दी गई है। मामले को लेकर UPSC के अभ्यर्थियों ने करोल बाग रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में आई वीडियो के अनुसार XUV कार के तेजी से गुजरने और कोचिंग के गेट को नुकसान पहुंचने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भर गया और 3 छात्र अपनी जान गंवा बैठे। इस मामले पर इस देश के प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौन है और तमाम वो लोग मौन है जो चुनाव में वोट मांगने के लिए राम का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जॉर्जियो मेलोनी को धन्यवाद जरूर कह देंगे, लेकिन छात्रों की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं। मणिपुर में हुए हादसे की तरह दिल्ली हादसे पर भी मौन धारण किए हुए हैं। बहरहाल छात्रों से बस इतना कहना चाहूंगी कि ना सरकार आपकी होगी और ना ही बड़े कोचिंग वाले, ना दिव्यकृति आपके होंगे और ना ही अवध ओझा। ये लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पैसे ऐठेंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे। कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, इस स्टीरियोटाइप सोच को बदलिए और घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट भी होगा और जान भी बची रहेगी।